नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। सीधी जिले के नौरिया ग्राम में स्थित अति प्राचीन हनुमान मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण 1880 में किया गया। यहां पर मंगलवार शनिवार के दिन हजारों भक्तों की भीड़ लगती है। शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस पुरातन धरोहर का संरक्षण किया जाए। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ला जी, अजय सिंह, राहुल भैया, देश प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों से खबर समय जगत निवेदन करता है कि मंदिर का जीर्णोद्धार कराया जाए और मंदिर परिसर को दर्शनीय बनाया जाए। यहां पर लाखों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। पूर्व विधायक शरदेंदु तिवारी जी ने फर्श में टाइल्स लगवाने का कार्य करवाया था, इसके बाद किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं इस समय नौडिया ग्राम में स्थित नौडिया ग्राम में हूं। यहां पे सन 1860 का बना हुआ अति प्राचीन बजरंग बली का मंदिर है, जो कि इतना बड़ा सिद्ध पीठ है। यहाँ पे लाखों लोगों की मन्नतें पूरी हुई हैं और यहाँ पे आज तो भीड़ भाड़ नहीं है आज, लेकिन मंगल और शनिवार के दिन यहाँ पे और हमेशा भंडारे चलते रहते हैं। लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है यहाँ के लिए। शासन प्रशासन से निवेदन है कि जैसा कि आप देख रहे हैं कि दीवारें जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं और यहाँ पे जो है ये शिव मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से दीवार जो है क्रैक हो चुकी है और लकड़ी की गाटर पट्टियां लगे हुए हैं, जो कि कभी भी धराशायी हो सकते हैं, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं और आइए आप सभी को अनंत बलवंत परम दयालु भगवान बजरंग बली जी के दर्शन करें, जो कि आशीर्वाद मुद्रा में है और इनके आशीर्वाद से लाखों लोगों को पुण्य लाभ हुआ है। और इस मंदिर के रख रखाव के प्रति शासन प्रशासन विशेष रूप से ध्यान दे। हमारे साथ में यहाँ के पुजारी जी ललित जी हैं, ललित कुमार मिश्रा जी हैं। यहाँ पूजा पाठ तो करते हैं, पर यहाँ से कोई जो है तो मतलब है मंथली ना जो है पेमेंट दिया जाता ना कुछ दिया जाता है। वो प्रभु सेवा कर रहे हैं जब से। अच्छा, आपको कुछ भी नहीं मिलता? यहाँ से नहीं मिलता, यानी बाबा परपाजा लोग भी किए हैं यहाँ। तीन तो अच्छा, आपकी तीन पीढ़ियाँ होंगी। अब हम तो चौथा पश्चिमा पीढ़ी का है जी। आपका शुभ नाम दादाजी? राम भजन पांडे जी। तो बताएं, आप तो की उम्र लगभग 60 से ऊपर होगी और आपने देखा होगा कि यहाँ कितने सारे लोगों की मन्नतें पूरी होती है, कितना भीड़ जैसा पूरी होती है, है ना। जो भी आता है यहाँ से खाली हाथ कोई नहीं गया, कोई नहीं गया, खाली हाथ नहीं जाता है ना जी। आप अपना शुभ नाम बताएं। विकास प्रसाद पांडे सर जी। पांडे जी, तो इस मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मंगलवार को यहाँ कम से कम 200 आदमी जी ज्यादा रहती है जी। आपका शुभ नाम? रमाकांत मिश्रा। कहाँ से हैं आप? सधा से हैं जी। तो इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये इतना बड़ा सिद्ध पीठ है जी, है ना जी। जबकि मदरसों में, मस्जिदों में वहाँ के इमामों को तनख्वाह दी जाती है और 1860 का प्राचीन मंदिर है और हमारे पुजारी जी को शासन प्रशासन की तरफ से एक रुपए भी नहीं दिया जा रहा है जी, है ना जी। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि उचित मानदेय पंडित के पुजारी जी को भी मिलना चाहिए जी। और मंदिर का रख रखाव जीर्णोद्धार ये शासन प्रशासन की जवाबदारी है। किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो, अव्यवस्था ना हो। नौड़िया नाथ धाम से ब्यूरो चीफ अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, नौड़िया नाथ की जय हो। सीधी से खबर समय जगत के लिए अनुराग दीप शुक्ला की रिपोर्ट।
For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.